इंद्रपाल ਮਹਿੰਦਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਸਤ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ प्यारे बच्चों पहला सवाल है 4, 5, 6, 0, 8 अते 7 दी औसत होवेगी। औसत दा जो फार्मूला है वो है संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां दी गिनती। सब तो पहला असी संख्यावां दा जोड़ करना है 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 8 जोड़ 7 चार ते पंज नौ नौ ते छी 15 15 ते 8 23 23 ते 7 30 तो असी औसत लई की करांगे 30 बटा संख्यावां दी गिनती 1 2 3 4 5 6 संख्यावां दी गिनती है 6 6 एकम 6 6 5 30 तो इन्हां दी औसत आवेगी 5। अगला सवाल है पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दा औसत की होवेगा। प्यारे बच्चों 1 तो लैके सारिया संख्यावां ही प्राकृतिक संख्यावां हुंदियां हन। असी पहलियां 5 संख्यावां दा प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता करना है। औसत दा फार्मूला सानूं पता ही है कि संख्यावां दा जोड़ तां असी संख्यावां दा जोड़ कर लैंदे हां 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 1 ते 2 3 ते 3 6 ते 4 10 ते 5 15 बटा संख्यावां दी गिनती 5 तां औसत आवेगी 5 एकम 5 5 3 15 3 औसत किन्नी आवेगी 3। अगला सवाल है 2 अंकां दीआं पहलियां 4 अभाज्य संख्यावां दी औसत है। 2 अंक 9 तक साडा 1 अंक ही संख्यावां हुंदियां हन 2 अंक साडे 10 तों शुरू हुंदे हन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ 11 ਜੋੜ 13 ਜੋੜ 17 ਜੋੜ 19 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 19 17 13 ਤੇ 11 ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 9 ਤੇ 7 16 16 ਤੇ 3 19 ਤੇ 1 20 ਹਾਸਲ 2 1 2 3 4 ਤੇ 2 6 60 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 2 3 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4 15 ਚੌਕੇ 60 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇਗੀ 15। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 25 ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 27 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 21 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ 25। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਸਤ ਗੁਣਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਔਸਤ ਸਾਡੇ ਹੈ 25 ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ 3 ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 25 30 75। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ
पहली संख्या सानू दित्ती है 27 ते एक सानू दित्ती है दूजी संख्या सानू दित्ती है 21 तीजी संख्या असी पता करनी है तो असी इसका जोड़ कर लेंगे हाँ पहलिया दो संख्यावां दा 7 ते 8 48 तीजी संख्या पता करन लई असी संख्यावां दे जोड़ विचों एक घटा देवांगे पहली संख्या ते दूजी संख्या दा दित्ता होया जो जोड़ है सड़ लवे तो असी 75 दे विचों 48 नूं घटा देवांगे 75 चों 48 घटाए 15 चों 8 कढ़े 7 इत्थे रह गया 6 6 चों 4 घटाए 2 तां तीजी जिहड़ी साडी संख्या है ओह होवेगी 27। अगला सवाल है 6 मैंबरां दे एक परिवार विच औसत उम्र 28 सी एक बच्चे दे जन्म लेंदे ही औसत उम्र किन्नी हो जाएगी। 6 मैंबरां दे परिवार की जो औसत सी वो है 28 तो सानू पहला इन्हां दा जोड़ पता करना पवेगा 6 मैंबरां दे परिवार की औसत 6 मैंबरां की मतलब कि उम्र का सानू पता करना पवेगा जोड़ की सी तो उसका फार्मूला साढ़े लिए है औसत गुना संख्यावां की गिनती 6 औसत साढ़े दी है 28 गुना 6 छे अठ 48 असल 4 6 दूनी 12 ते 4 16 168 एक बच्चे ने जन्म ले लिया तो हम परिवार के मैंबर की गिनती किन्नी होगी 7 तो हम असी इसकी औसत कढ़नी है संख्यावां का जो जोड़ सी परिवार के मैंबर की उम्र का जो जोड़ सी 168 सी तो हम मैंबर हो गए ने 7 तो असी 168 नूं 7 नाल भाग करांगे 7 दूनी 14 2 उपरों उतारे 8 7 चौके 28 तो इसका उत्तर किन्ना आएगा इसकी औसत उम्र आएगी 24 साल। अगला सवाल है 4 लड़कियां की औसत उम्र 16 साल है 13 साल वाला लड़का चला गया बाकी बचे 3 लड़कियां की औसत उम्र है 4 लड़कियां की सानू औसत दिती है 16 साल तो पहला असं 4 लड़कियां की उम्र का जोड़ पता कर लेंगे हाँ उम्र का जोड़ उन्हों का हो गया औसत गुना गिनती 4 64 उदे विचों एक 13 साल वाला लड़का चला गया एक लड़का जिसकी उम्र किन्नी सी 13 साल वह चला गया यह रह गया घटा के 51 हुण जिहड़े 3 लड़के ने एक तो चला गया 4 दे विचों एक घटाया हुण लड़के रह गए 3 3 लड़कियां की उम्र से पता करने लिए की करते हाँ जोड़ बटा गिनती 51 बटा 3 17 30 51 तो 3 लड़कियां की जो औसत है वह 17 साल रह गई है। अगला सवाल 5 लड़कियां की औसत उम्र 13 साल है एक होर लड़के दे आ जान नाल औसत उम्र 12 साल हो गई नवे आए लड़के की उम्र होगी सानू 5 लड़कियां की औसत उम्र दिती है 13 साल तो असी इन्हां दे लड़कियां की उम्र का जोड़ पता कर लेंगे हाँ जोड़ होगा औसत गुना गिनती 13 गुना 5 65 साल एक लड़का होर आ गया तो औसत होगी 12 साल हुण लड़के हो गए 6 तो औसत साड़ी होगी 12 साल असी इन्हां दा जोड़ भी पता कर लेंगे हाँ 12 औसत गुना गिनती 6 12 छिके 72 तो हुण की फर्क पिया इन्हां दोवां दे जोड़ दे विच असी अंतर पता कर लेंगे हाँ 72 दे विचों 65 घटा लेंगे हाँ 7 साल तो नवे आए लड़के की जो उम्र है वह 7 साल है। अगला सवाल 5 लड़कियां की औसत उम्र 12 साल है जेकर उन्हां विचों 4 की औसत उम्र 11.5 साल होवे तां 5वें लड़के की उम्र दसो 5 लड़कियां की उम्र जो सानूं दित्ती हुई है वह है 12 साल तो आप इन्हां लड़कियां की उम्र का जोड़ पता कर लेंगे हाँ जोड़ का फार्मूला औसत गुना गिनती उन्हां दे 5 लड़कियां की उम्र का जोड़ है 60 साल 4 की औसत उम्र सानू होर दिती है दोबारा इन्हां विचों 4 लड़कियां की औसत सानू दिती है 11.5 असी इन्हां दी उम्र का जोड़ भी पता कर लेंगे हाँ औसत
गुना गिनती असी 115 गुना चार कर लेंगे हाँ दशमलव में बाद लगा लवेंगे चार पाँच भी हसल दो चार एकम चार ते दो छी चार एकम चार एक दशमलव सी पिछली जीरो कट दें हाँ तो यह आ जाएगा 46। हुण असी पंजवें लड़के की उम्र पता करनी है तो असी इन्हां दे जोड़ां दा अंतर पता कर लेंगे हाँ। पंजवें लड़के की उम्र लई असी दोवां जोड़ां दे अंतर ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 14 ਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 440 ਰਨ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 440 ਰਨ ਬਣਾਏ, एक खिलाड़ी ने कोई रन नहीं बनाया, तो बाकी खिलाड़ी रह गए 10, क्योंकि 440 रन ही 10 खिलाड़ियों ने बनाए थे, तो 10 खिलाड़ियों ने रन बनाए 440, तो इसकी औसत असी पता करनी है। औसत का फार्मूला सारे रन बटा गिनती 10, एक जीरो नाल जीरो कट गई, तो उन्होंने जी 10 खिलाड़ियों की बाकी खिलाड़ियों की औसत सी वह सी 44 रन। अली का साल के पहले 6 महीनों का औसत खर्च 800 रुपये है, पिछले 6 महीनों का औसत खर्च 900 रुपये है, उसका महीनावार औसत खर्च पता करो। अली का 6 महीने की जो औसत है वह है 800 रुपये, तो असी कुल खर्च उसका कर लेंगे हाँ 800 गुना 6, उसका 8 6 48 दो जीरो असी 4800 रुपये खर्च होता है पहले 6 महीने। हुण दूजे दो पिछले 6 महीनों की औसत है 900 रुपये, तो उसका खर्च कितना होगा 900 गुना 6, 6 9 54 दो जीरो असी दो जीरो लाती 5400 रुपये, फिर उसका कुल खर्च कितना होया इसका असं जोड़ कर लेंगे हाँ 0 0 8 4 12 हासिल 1 5 4 9 10 10,200 रुपये। हुण असी पता करनी है उसकी महीनावार औसत, महीनावार उस कुल खर्च उसका बटा कुल महीने 6 3 6 12। हुण असी इसनू भाग कर लेंगे हाँ 10,200 भाग 12 8 96 12 चो 6 गए 6 उपरों उतार ली 0 12 5 60 0 उपरों 0 रहिंदी सी उतार ली 12 0 0 तो साड़ी जो औसत आई है वह है 850 रुपये प्रति महीना खर्च। अगला सवाल है 11 नतीजों की औसत 30 है, जेकर पहले 5 नतीजों की औसत 25 होवे अते अखीरले 5 नतीजों की औसत 28 होवे तां 6वें नतीजे के अंक दसो। 11 नतीजों की औसत 96 है 30, पहले पांच नतीजे ने सानू औसत दिती है 25, तो असी इसका जोड़ पता कर लेंगे हाँ पहले पांच नतीजे का 25 औसत गुना गिनती 5, 25 5 125। इस तरह अखीरले पांच नतीजे की जो औसत दिती है 28, इसका भी असी जोड़ पता कर लेंगे हाँ 28 गुना 5 28 5 140। 11 नतीजों का जोड़ भी सानू पता करना पवेगा, 30 गुना 11 11 ती 33 330। 6वें दे नतीजे का अंक पता करन लई सानू इस विचों ये दो ही नतीजों के जोड़ नू घटाना पवेगा, इन्हां दोवां का जोड़ असी कर लैंदे हां 5 6 265। 6वें नतीजे के अंक किन्ने होणगे हुण 330 घटा 265, 330 दे विचों 265 घटाउण ते साडे लई आएगा 5 6 65 अंक। प्यारे दोस्तों तुसीं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स विच जरूर दिओ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ